आगे स्कूल से। अच्छा मार मार, देखो ना अभी रुको बेटा, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। पापा को फोन करो, पापा को ही बता दो। पापा पापा पापा, देखो हाँ, क्या हुआ? अभी रुको, रुक दे, ये तो देखो एक बार। जाओ बेटा, मेरे ऑफिस का काम है। अरे यू भी कहाँ है? सो यू भी पता नहीं, उधर ही होगा, रूम में होगा, पता रहा है? नहीं यार, लेटा होगा या मोबाइल देख रहा होगा। नहीं, 3:30 हो रहे हैं तो इस टाइम थोड़ी यू भी देखता है फोन। स्कूल से आके तो सोता ही, आपने सुलाया नहीं यू भी देख लो, को? उधर होगा रूम में, देख लो एक बार। चलो देखो यार, यू भी को एक बार क्या कर रहा तुम है। आई हो, देखा नहीं तब से? नहीं, मैं बिजी थी, आपने नहीं देखा? नहीं। चलो यू भी को देखो, एक बार देख के आओ। यूवी यूवी, क्या हुआ? क्या हुआ यूवी, क्या दिखा रहे थे तुम मुझे? रिजल्ट आया यूवी का? ओ अच्छा, वो सॉरी, रिपोर्ट ओ कार्ड बहुत आया है क्या? बिजी थी मैं, इसलिए नहीं देखा। 95%, आपने भी नहीं ओ, देखा? अरे मैं थोड़ा काम में बिजी था। अरे वाह, इसे दुखी थे? ओ सॉरी, ओहो, तुमने साइकिल तो मांगी तुमने थी बता, मेरी फाइट पे? साइकिल और मुझे तुमने कैसे बताया मिलेगा क्यों नहीं बताओ। कि रिजल्ट आया है? अब मैं तो आया था आपके पास भी, आप बिजी थे, पापा जी बात किया है तो पापा ही बोले ओ थे। सॉरी सॉरी, सॉरी, चलो अब आगे से नहीं होगा, ठीक है? वेरी गुड। वेरी गुड। साइकिल, और ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही रीजन था कि हम लोग पेरेंट्स जो इतना बिजी हो जाते हैं और अपने बच्चों को जो है अवॉइड करते, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इससे मतलब छोटी छोटी चीजें, खुशियां मिलती हैं बच्चों को, अब हाँ। वो शेयर करना चाहता है, हम इग्नोर करते हैं, फिर वो आगे चल के शेयर ही नहीं कर पाए। तो कितना भी तो बिजी हो जाएं, बच्चे को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, कम से कम एटलीस्ट सुन तो लें कि वो क्या कह रहा है, जरूर है सबको ना? जानने देना चाहिए। तो कितना भी आप बिजी हो जाएं, लेकिन बच्चे को जो है अपना पूरा, एक बार बच्चे पे जो है पूरा ध्यान दीजिए और बच्चे को भी नोटिस कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, इस्माइल। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।